हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास नाइन्थ का है इसके चैप्टर नंबर 22 वीरों का कैसा हो वसंत इसके अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके चैप्टर को नहीं समझा है तो आप पहले इसे समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र गरजता है। सेकंड, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ आएगा। थर्ड है, वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है, यही इसमें परिवर्तन आया। नेक्स्ट है, कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? तो कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभव के बारे में बताओ। नेक्स्ट है, कवि की कलम की क्या व्यवस्था है? तो कवि की कलम की यह व्यवस्था है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है, यही उसकी व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? तो देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं, इसलिए कवित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है कि इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक योद्धा है, अनेक शूरवीर हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया है इससे सीखते हैं, इसलिए कवित्री ने भी कहा है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग दो। नेक्स्ट है, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत बताया है? तो हनुमान द्वारा लंका को जलाना यानी लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो ये बताया है कि इन लोगों ने भी किस तरीके से युद्ध किया है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच या छह वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, वीरों का वसंत कैसा हो या वीरों का कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। तो वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है, क्योंकि नए नए फूल पौधे पत्ते आते हैं, पूरा वातावरण और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। सुंदर सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियाँ और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएँ हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं। ये वीरों के लिए वसंत होता है जब वे लोगों को स्वतंत्र कराते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, अन्याय और अधर्म का नाश करते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? तो मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए।
अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो गए। कवयित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, कैसे इन लोगों ने संघर्ष किया, लोगों की जान बचाई अपने राज्य को बचाने के लिए। तो हल्दी घाटी और सिंहगढ़ में इस तरीके का युद्ध हुआ और किस तरीके से तानाजी शहीद हो गए वीरता दिखाते हुए। नेक्स्ट है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, ससंदर्भ समझाइए। तो वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी, उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवित्री लिखती हैं कि मेरे लिखने पर भी पाबंदी है, मैं चाहूं तो भी कुछ खुलकर नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि जो लिखा जाएगा वो जब्त कर लिया जाएगा और लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी लिखने पे। और इसे अंग्रेजों के अन्याय के अगर विरुद्ध कोई लिखता था तो ये अपराध माना जाता था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।